हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम चंपा की एक खुशबूदार प्रजाति के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इन चंपा के फूलों की कई अलग अलग किस्में दुनिया भर में पाई जाती है। साथ में रंग रूप और आकार में भिन्नता होने के साथ साथ इनकी लगभग सभी किस्में मनभावन मीठी खुशबू बिखेरती है। आज हम इन्हीं चंपा के फूलों की एक प्रजाति प्लूमेरिया ऑब्टुसा, जिसे सामान्य तौर पर फ्रैंगीपानी के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इन चंपा के जीन्स का प्लूमेरिया यह नाम एक फ्रांसीसी वनस्पति शास्त्री चार्ल्स प्लूमेर के नाम पर रखा गया है और एपोसिनेसी परिवार, जो लगभग 4,555 अलग अलग प्रजातियों का परिवार है, उनमें इन प्लूमेरियाज की लगभग 11 से 15 स्वीकृत प्रजातियां पूरी दुनिया भर में पाई जाती है। साथ में प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इन फूलों को चंपा, गुलकंपा, अंडा फूल या फिर जिदान हुआ, ऐसे सामान्य नामों से जाना पहचाना जाता है। दोस्तों, हमारी बागवानी में, उद्यानों में या फिर पब्लिक पार्कों में सजावटीय उद्देश्य के हेतु एक सीमित आकार में बढ़ने वाला यह प्लूमेरिया ऑब्टुसा का पेड़ है, जो अपने खुशबूदार फूलों से वातावरण को महकाने के साथ साथ फ्लावरिंग पीरियड में एक बेहतरीन लैंडस्केपिंग किरदार भी निभाता है। इस प्लूमेरिया ऑब्टुसा के सफ़ेद फूल इस तरह पिनव्हील टाइप में विकसित होते हैं और फूलों में इस तरह लगभग समान रूप से 5 पंखुड़ियाँ होती है। चंपा की इस किस्म में फूलों का गला या फिर फूलों का सेंटर इस तरह पीले रंग का होता है और फूलों की पंखुड़ियाँ शुभ्र सफ़ेद रंग की होती है। पंखुड़ियों का आकार अंडाकार शेप में विकसित होता है। साथ में इन फूलों का व्यास पोषण स्थिति अनुसार लगभग 1.5 से 2 इंच तक होता है। फ्लावरिंग पीरियड के दौरान यह फूल पेड़ की शाखाओं के किनारों पर गुच्छों में या फिर क्लस्टर्स में आते हैं और इन फूलों के क्लस्टर्स में 3 से 4 फूलों से लेकर 12 से 14 तक फूल होते हैं। इनकी इस तरह की छोटी छोटी बहुसंख्यक कलियों से यह फूल एक के बाद एक लगातार खिलते रहते हैं। ज़्यादातर रात के दौरान परागकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए इन फूलों की तीव्र खुशबू हवा में फैल जाती है। यह फूल इनके मनभावन मीठी खुशबू के साथ बेहद सुगंधित होते हैं। भोर के समय या फिर सुबह के दौरान बहुत से फूल मुरझाकर पेड़ के नीचे गिर जाते हैं। वैसे तो उष्णकटिबंधीय जोन में या फिर गर्म ट्रॉपिकल जोन में यह प्लूमेरिया के पौधे लगभग साल भर फ्लावर्स प्रोड्यूस करते रहते हैं, लेकिन जिस भौगोलिक एरिया में 3 ऋतु आते हैं, वहाँ कड़ी सर्दियों के दौरान इस पौधे पर कोई फ्लावरिंग नहीं होती और यह पौधा सुप्तावस्था या फिर डॉर्मेंसी का अनुभव करता है। मतलब सर्दियाँ खत्म होने के बाद फिर से सर्दियाँ शुरू होने तक इनका फ्लावरिंग सीजन होता है। मतलब मार्च मंथ से लेकर लगभग नवम्बर तक यह पौधे प्रचुर मात्रा में फूलों को प्रोड्यूस करते हैं। साथ में इस प्लूमेरिया के सामने जो फ्रैंगीपानी शब्द आता है, या फिर कॉमनली इसे फ्रैंगीपानी इसलिए कहा जाता है कि एक इटालियन व्यक्ति जिनका नाम मार्किस फ्रैंगीपानी था, जिन्होंने एक परफ्यूम या फिर इत्र को विकसित किया था और उस इत्र की खुशबू इस प्लूमेरिया ऑब्टुसा की सुगंध जैसी ही थी और इसलिए मार्किस फ्रैंगीपानी के नाम से इन प्लूमेरियाज के सामने फ्रैंगीपानी यह शब्द जोड़ा जाता है। दोस्तों, यह प्लूमेरिया के फूल इनकी मीठी मनभावन खुशबू और आश्चर्यजनक रंग संगति के साथ दुनिया भर में मशहूर है। इन चंपा की अलग अलग प्रजातियों में पूर्ण सफ़ेद रंग के साथ गुलाबी, पीला, लाल, यहाँ तक काले रंग के भी फूल आते हैं। साथ में थाईलैंड, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और हमारे भारत में भी इनकी व्यापक रूप से खेती की जाती है। इनकी अलग अलग किस्मों में प्लूमेरिया ऑब्टुसा, प्लूमेरिया रुब्रा, प्लूमेरिया अल्बा, प्लूमेरिया पुडिका, सिंगापुर वाइट, कैंडी स्ट्रिप, एजटेक गोल्ड, ऐसी कई किस्में आती हैं। हमारे प्लांट गैलरी में जब यह चंपा के पौधे फ्लावरिंग पर होते हैं, तब इनके पास बैठने से या फिर इनके पास से गुजरने से हवा में फैली इनकी फूलों की मनभावन खुशबू हमें तरोताज़ा कर देती है। साथ में फ्लावरिंग पीरियड के दौरान पॉलिनेटर्स के तौर पर हनी बीज और तितलियाँ इनकी तरफ काफ़ी बड़ी तादाद में आकर्षित होती है। कलियों से फूल खिलने के बाद वातावरण स्थिति अनुसार 1 से 2 दिन तक पौधे पर खिले रहते हैं, उसके बाद मुरझाकर नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। दोस्तों, इस प्लूमेरिया ऑब्टुसा की जंगली किस्में ज़मीन में लगाने पर एक परिपक्व आकार और ऊंचाई में
लगभग 25 फीट तक एक गोलाकार मुकुट के आकार में बढ़ते हैं। हालांकि पेड़ जितना बड़ा होता है उस पर फूल भी उतने ही बहुसंख्यक तादाद में खिलते हैं। लेकिन हमारी छोटी सी प्लांट गैलरी में भी पॉट्स या कंटेनरों में सालों साल इनके फूलों की खुशबू का आनंद लेने के लिए हमारे बागवानी में अब कुछ ड्वार्फ वैरायटीज़ भी विकसित की है, जिनका ग्रोथ रेशो 4 से 6 फीट की एक सीमित ऊंचाई तक मर्यादित रहता है। हम चाहे तो उन्हें कटिंग या प्रूनिंग के माध्यम से मनचाहे आकार में मर्यादित भी रख सकते हैं। इसलिए हमारी बागवानी में इन सुंदर खुशबूदार प्लूमेरिया के फूलों का आनंद हम कम जगह या फिर छोटे प्लांट गैलरी में भी पॉट्स या कंटेनरों में उगाकर सालों साल ले सकते हैं। दोस्तों, इस प्लूमेरिया ओप्टुसा की पत्तियाँ इस तरह लंब वर्तुलाकार शेप में या फिर लेदर टाइप होती है। इन पत्तियों की ऊपरी सतह काफ़ी ग्लॉसी होती है और पत्तियों को दो भागों में विभाजित करने वाली मुख्य शिरा और उपशिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कड़ी सर्दियों के प्रति यह पौधे काफ़ी संवेदनशील होते हैं और इसलिए कड़ी सर्दियां या फिर कड़ी ठंड के दौरान यह पेड़ अपनी सारी पत्तियां गिरा देता है या फिर इसकी सारी पत्तियां झड़ जाती है। पत्तियां झड़ जाने के बाद इस प्लूमेरिया का सिर्फ ट्रंक और टहनियाँ ही दिखाई देती है, लेकिन पुनश्च वसंत में नई लीफी ग्रोथ के दौरान नई पत्तियां निकल आती है और पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है। इसलिए कड़ी सर्दियां या फिर कड़े ठंड का मौसम इन पौधों का सुप्तावस्था का काल या फिर डॉर्मेंसी पीरियड होता है। डॉर्मेंसी के दौरान पत्तियां जब प्लांट से रिमूव होती है तो लगभग साल भर सूरज के किरणों से फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा और हवा के माध्यम से जो न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब किया होता है वह पेड़ से टूटकर गिरने से पहले पत्तियां, वह सारा न्यूट्रिशन पौधे के तने में वह पत्तियां फिर से जमा करती है और उसी न्यूट्रिशन या फिर ऊर्जा का उपयोग पौधा सुप्तावस्था का काल खत्म होने के बाद फिर से नई पत्तियां और नई ग्रोथ विकसित करने में उपयोग में लाता है। दोस्तों, इस चंपा के पौधे की पानी की ज़रूरत मध्यम प्रकार में आती है और साथ में इसकी जड़ें जमीन की सतह के पास उतले स्वरूप में फैलती है। इसलिए थोड़े से मैच्योर या फिर बड़े पेड़ों के अलावा पॉट्स या कंटेनरों में लगाए गए पौधों की टॉप सॉइल सूखने के बाद ही हमें इन्हें पानी देना है। ओवरहेड वाटरिंग से या फिर जल भराव स्थिति से जमीन के सतह के पास उतले स्वरूप में फैलने वाली इनकी जड़ों में सड़न पैदा हो सकती है। इसलिए पौधे की ज़रूरत अनुसार ऊपर की मिट्टी सूखने के बाद ही हमें इन्हें पानी देना है। सूरज की रोशनी के बारे में देखा जाए तो यह पौधे या फिर यह पेड़ पूर्ण सूरज की रोशनी में बढ़ने वाले पेड़ है। पूर्ण सूरज की रोशनी के नीचे ही यह पेड़ काफ़ी बड़ी मात्रा में और हेल्दी फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। इसलिए हमारे प्लांट गैलरी में भी जहां दिन भर 5 से 6 घंटे की सीधे सूरज की रोशनी आती हो उस लोकेशन में हमें इन पौधों को लगाना है। दोस्तों, इस चंपा के पेड़ का एक परिपक्व तना या फिर ट्रंक बनने पर इसकी छाल इस तरह हरे से ग्रे कलर की होती है और इस पेड़ का कोई भी भाग छेड़छाड़ी से टूटने पर उसमें से इस तरह का सफ़ेद रस निकलता है जो सीधे तौर से आँखों के संपर्क में आने पर या फिर ज़्यादातर स्किन एलर्जी वाले लोगों के स्किन पर लगने पर या फिर निगलने पर थोड़ा सा विषाक्त तो साबित हो सकता है। इसलिए इस व्हाइट लेटेक्स या फिर दूधिया रस के संपर्क से हमें थोड़ा दूर रहना है। दोस्तों, इन चंपा के पौधों की खाद की ज़रूरत के बारे में देखा जाए तो ज़्यादातर हॉट समर सीज़न को छोड़कर साल में कभी भी हम इनकी जड़ों के पास कोई भी ऑर्गेनिक बेस फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और कड़ी ठंड के दौरान इनके सुप्तावस्था के काल को छोड़कर मंथ में एक बार कोई भी NPK बेस तरल उर्वरक इनकी जड़ों के पास हम पौधे की ग्रोथ अनुसार दे सकते हैं और साथ में खासकर फ्लावरिंग पीरियड के दौरान अच्छे फ्लावरिंग के लिए हमें इन पौधों को फॉस्फोरस युक्त खाद देनी है। डिजीज या फिर रोगों के प्रादुर्भाव के रूप में इन पौधों की पत्तियों पर थोड़े से खराब वातावरण स्थिति अनुसार ब्लैक टिप फंगस, लिप स्पॉट या फिर मिले बग्ज जैसे कीट का असर दिखाई देता है। ऐसे स्थिति में हम रोगों की तीव्रता अनुसार किसी भी फफूंदी नाशक दवा का छिड़काव इनकी पत्तियों पर कर सकते हैं। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के रूप में हम नीम ऑयल या फिर देसी गाय के गोमूत्र का छिड़काव इनकी पत्तियों पर कर सकते हैं। साथ में डिजीज़ की इंटेंसिटी अनुसार हम किसी भी केमिकल पेस्टिसाइड को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी केमिकल पेस्टिसाइड को यूज़ करने से पहले उसके छिड़काव करने का सही प्रमाण और सुरक्षितता के बारे में हमें ध्यान रखना है। दोस्तों, इस प्लूमेरिया ओप्टुसा का प्रोपेगेशन इनके स्टेम टिप कटिंग से हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादातर रेनी सीजन में बिना रूट हार्मोन्स के
इनके कटिंग्स पर तकरीबन दो हफ्तों में नई जड़ें और लीफी ग्रोथ दिखाई देती है। दोस्तों, इन प्लूमेरिया की प्रजातियों का कुछ प्रोसेस के अंतर्गत बहुत से औषधीय गुणों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दस्त, ब्रोंकाइटिस, खांसी, अस्थमा, बवासीर, रक्तस्राव, ट्यूमर ऐसे कई रोगों में पुरातन काल से कुछ आदिवासी प्रजातियों द्वारा आयुर्वेद और चरक संहिता जैसे महान चिकित्सा पद्धति में कुछ प्रोसेस के अंतर्गत औषधि के रूप में इन पौधों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसलिए हमारे भारत में स्वदेशी लोगों द्वारा और अन्य आदिवासी प्रजातियों द्वारा इस पौधे का औषधीय उपयोग का इतिहास बहुत पुराना है। कुछ औषधीय उपयोगों के साथ साथ प्लूमेरियाज के फूलों से उच्चतम क्वालिटी का इत्र या फिर परफ्यूम भी बनाया जाता है। साथ में भगवान की पूजा विधि में भी हमारे भारत में इन फूलों को बहुत ही श्रद्धापूर्वक भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है। साथ में एक अध्ययन अनुसार प्रशांत महासागर के कई द्वीपों में कुछ प्रजातियों में खासकर महिलाओं की वैवाहिक स्थिति को जानने के लिए यह चंपा के फूल काफ़ी मदद करते हैं ऐसा माना जाता है, क्योंकि जो महिला अपने बाई ओर के कान पर इस चंपा के फूल को रखती है तो वह उसके शादीशुदा होने का प्रमाण माना जाता है। साथ में अलग अलग मान्यताएं और नज़रिए के अनुसार कुछ प्रजातियां या फिर कुछ लोग इन फूलों को अंतिम संस्कार या फिर कब्रस्तान या फिर दफन भूमि से जोड़ते हैं, इसलिए शायद इसे सिंगापुर जैसे देशों में कब्रस्तान में इन पेड़ों को लगाया जाता है और वहाँ इस पेड़ को कब्रस्तान का पेड़ इस नाम से जाना जाता है। क्योंकि कुछ मान्यताओं में सफ़ेद रंग के फूल कफन के रंग से साम्यता दिखाते हैं, इसलिए उन्हें अशुभ या फिर अनलकी फ्लावर्स माना जाता है। साथ में थाईलैंड जैसे देशों में जो वार्षिक प्लूमेरिया महोत्सव मनाया जाता है, जो डॉग क्रेचियो के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें इन प्लूमेरियाज के फूलों का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया जाता है। दोस्तों, यह चंपा के फूल मीठी मनभावन खुशबू से समृद्ध होने के साथ साथ यह पेड़ पौधे आध्यात्मिक और औषधीय गुणों के साथ हमसे सदियों से जुड़े हैं। इसलिए हमारे प्लांट गैलरी में यह चंपा के पौधे इनके सुगंधित फूलों से सालों साल एक खुशबूदार माहौल बनाए रखते हैं। अच्छा, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।